जयंत। जी मालिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मालिक कहिए। सब कुछ सच सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना मुझसे। इस बंगले के बारे में बहुत गड़बड़ लगती है मुझे, जो मुझे नहीं पता। मैं समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस बंगले में कोई भूत या किसी का साया? मैं कुछ नहीं जानता हूं मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहाँ पर रखवाली करता हूँ, बस। तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। जो कुछ जानते हो अभी और इसी वक्त मुझे बता दो। मालिक, दरअसल बात है कि इस बंगले में पिछले काफी दिनों से कुछ गड़बड़ चल रही है। आप लोग जब से आए तब से आप लोग बहुत परेशान हैं। मैं इसी बात से बहुत परेशान हूँ। और तुम झूठ बोल रहे हो मालिक। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मालिक, मेरा यकीन करिए। मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती मालिक मैं आपको पहले ही बता देता। ठीक है, जयंत, जयंत काम करो अपना। छोटी मालकिन, आपका जूस तैयार है। छोटी मालकिन कहाँ चली गई आज? छोटी मालकिन मालिक, छोटी मालकिन बचाओ मालिक, बचाओ मालिक, बचाओ दरवाजा खोलो मालिक। छोटी मालकिन जयंत, माय गॉड, ये तो मर गया। कैसे हुआ? किसने मारा होगा इसे? मैंने मारा उसे। लेकिन बिन्नी क्यों बेटा? वो मेरा गुनहगार था। बिन्नी, बदला लिया मैंने उससे। बदला क्यों आए हो तुम सब यहाँ? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। जाओ, जाओ यहाँ से। बिन्नी, 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 ये क्या हो गया बिन्नी को? बिन्नी, ऐसी बातें कर रही थी। बिन्नी, मेरी बेटी के ऊपर किसी का गुस्सा आया। ये जयंत को नहीं मार सकती। बिन्नी, बिन्नी आखिर खोलो। बिन्नी, बिन्नी, कुछ तो करो। मुझे तो डर लगता है कहीं से कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसको। मैं हूं ना मंदिरा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। बिन्नी, बिन्नी, प्लीज बिन्नी, उठ बेटा। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। जब से इस नए बंगलों में शिफ्ट हो गए, कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पहले मिसेज़ घोष की हत्या और अब जयंत की हत्या। सुनिए, कहीं मिसेज़ घोष को बिन्नी ने तो नहीं मारा ना? पता नहीं मंदिरा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों ना हम अपने पुराने वाले घर चले जाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ तो है। शायद तुम ठीक कह रही हो मंदिरा। मुझे भी लगता है कि बिन्नी के ऊपर किसी का साया है। उस दिन जब मैं बाहर आया तो बिन्नी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मैं उस दिन कैसे अपने आप को बचाया, उस दिन तो वो मुझे। क्या बिन्नी ने आपका गला दबाने की कोशिश की? हाँ मंदिरा, उस दिन अंधेरे की वजह से मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बिन्नी ही थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, उसके ऊपर किसका साया है। सुनिए, हम बिन्नी को किसी बाबा के पास ले चलते हैं, वरना हम लोगों की जान को भी खतरा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक बाबा है मेरे जानकार, हमें उनके पास जाना होगा। जय मताली, ये बभूति लेकर जा। ये बभूति 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अपने बेटी के माथे पर लगा दो। अगर किसी आत्मा का साया तुम्हारे बेटी पर होगा तो ये बभूति उसकी रक्षा करेगी। जाओ, निश्चिंत होके जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जय मां काली। बाबा, हम आपका इंतजार करेंगे बाबा। मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है बाबा। बिन्नी, बिन्नी, बेटा बिन्नी, 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 बिन्नी। मंदिरा, ये सब सामान कैसे बिखरा पड़ा? पता नहीं, लेकिन बिन्नी यहाँ नहीं है तो कहाँ गई है? मुझे लगता है कि कहीं बाहर ना चली गई। मैं देख के आता हूँ। मिली बिन्नी? नहीं। हे भगवान, कहाँ चली गई है मेरी बेटी? जब से इस बंगलों में आई है तब से बेचारी परेशान है। इतने बार कहा उसने कि मम्मा इस बंगले में कुछ तो है, लेकिन हमने सुना ही नहीं। अब कहाँ ढूंढेंगे हम बिन्नी को? ठीक कह रही हो मंदिरा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह सुबह कहाँ चली गई। आप उसके फोन पे कॉल करो ना। मैंने सबसे पहले फोन ही ट्राई किया, उसका फोन बंद आ रहा है। डैड, मॉम मुझे बचा लो। मॉम तुम कहाँ हो? डैड, ये आवाज सुनी आपने? ये बिन्नी की आवाज है ना? हाँ, ये क्या रही हो तुम? ये बिन्नी की आवाज है। मॉम तुम कहाँ हो? डैड आप कहाँ हो? बिन्नी, आवाज तो यहीं से आ रही है। डैड, बिन्नी, बिन्नी की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। जिस दिन से हम इस बंगले में आए हैं, मेरी बेटी उस दिन से परेशान। हे भगवान, पता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मुझे पता था कि उसके साथ यही सब होने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि उसके सर पे किसी का साया है और वही ये सब करा रही है। अब प्लीज बाबा को बुलाइए। तो ये बात है, इस बंगले में किसी आत्मा का वास है। ये सामान किसका है? वो पहले से ही यही था। का इशारा इस तरफ, इसका मतलब वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं। मॉम मुझे बचा लो। बिन्नी, बिन्नी बेटा, बिन्नी, बिन्नी बाहर आ जाओ। बिन्नी, हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। बिन्नी, हाँ बेटा। बिन्नी, बच्ची की आवाज हर जगह से आ रही है, वो हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इशारा इस तरफ है, ये नींबू का रंग भी बदल गया है, इसका मतलब ये आत्मा यहीं कहीं है। ये पर्दा कैसा है? इसके अंदर क्या है? हटाओ इसको। पर्दे के पीछे दरवाजा कैसा है? इसके पीछे क्या हो सकता है? बाबा इसका तो ताला भी टूटा हुआ है और कुंडी भी खुली हुई है। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस पर्दे से ये दरवाजा ढका क्यों है? क्या राज है इस बंद दरवाजे के पीछे? बाबा इस दरवाजे के बारे में तो हमें भी नहीं मालूम, इसे हमने भी पहली बार देखा है। हाँ बाबा, हमें भी इसके बारे में नहीं पता था। तुम दोनों ने नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटी ने यह देख लिया था। क्या? हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बेटी इस बंद दरवाजे के अंदर। बाबा, बाबा आप ठीक है ना? ये क्या था? मुझे अंदर जाने दो, तुम लोग यहीं ठहरो। मुझे पता करना होगा कि इस बंद दरवाजे के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। टॉर्च लाओ। क्या? बाबा मैं भी आपके साथ अंदर जाऊंगा। बाबा नहीं, वहां खतरा हो सकता है। वो आत्मा यहाँ है, वो जरूर हम पर हमला करेगी। बाबा मेरी बेटी अंदर है बाबा, मैं उसे देखना चाहता हूँ बाबा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, वो आत्मा बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकती। जी बाबा, तुम यही रुको, हम आते हैं। आइए बाबा। ये कमरा सालों से बंद था। हाँ बाबा, मुझे भी बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही है बाबा। बाबा वहां कुछ है बाबा। बाबा, अरे यहाँ तो किसी का कंकाल पड़ा है। ओम ह्रीं त्रीं फट, ओम ह्रीं त्रीं। कौन है तू और क्या चाहती है? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। जाएगी तो तू यहाँ से नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। तो कैसे नहीं जाती है? तो ओम एक पे जय मकाली। बाबा, बाबा आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बहुत ताकतवर है ये आत्मा। चलो यहाँ से जल्दी निकलो। हाँ बाबा, जल्दी चलो बाबा। बाबा आप ठीक तो है ना? तुम लोग को ये बंगला छोड़कर अभी के अभी जाना पड़ेगा। जान खतरा है। वो जो आत्मा है वो बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। बाबा मेरी बेटी को आपकी जरूरत है बाबा। मेरी बेटी की रक्षा कीजिए बाबा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती बाबा, प्लीज उसकी मदद कीजिए प्लीज। इंसानियत के नाते बाबा उसकी जान बचा लो बाबा। ठीक है, मैं और एक बार कोशिश करूंगा। इस काम में खतरा है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। उसके लिए मुझे कठोर साधना करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे यह पता करना होगा कि वो आत्मा कौन है, और उस व्यक्ति का भी पता करना होगा जो इस बंद दरवाजे तक का रास्ता। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत, अभिजीत ये सब कैसे हो गया? तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मुझे शोभा, काश तुमने मेरी ये बात मान ली होती तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तुमको कितना बार समझाया कि अभिजीत का मन नहीं बढ़ाओ, कि तुम हमारा बात नहीं सुना। तुमसे बोला कि अभिजीत को कंट्रोल करो, तुम दोनों तो चला गया, लेकिन इस दुनिया में मैं अकेला रह गया। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? बोलो शोभा, बोलो। काश तुम दोनों ने मंजरी के साथ ये गलती नहीं किया होता। तुम्हारा इस गलती में हम भी शामिल है। हम तुम दोनों पे ध्यान नहीं दिया, सब हमारा गलती है सब। अभिजीत तुम भी हमको छोड़ के चला गया। अपने अपने बाबा पे तुमको ध्यान नहीं आया। देखो तुम्हारा बाबा दुनिया में अकेला रह गया, तुम्हारा बाबा एकदम अकेला रह गया। कौन है? कौन है वहां? बिन्नी, तुम? मंजरी, घोष बाबू ठीक है आप? अच्छा हुआ आप लोग आ गया, नहीं तो मंजरी हमारा गला दबा के हमको मार दिया होता। मंजरी कौन है? और मंजरी, अरे हम तो उस औरत का बात कर रहा था जो गला दबा के हमको मारने का कोशिश कर रहा था। झूठ मत बोलो तुम। झूठ नहीं बोल रहा है, हम सच कह रहा है। हम किसी मंजरी को नहीं जानता है। सच बता दो वरना सच मुझे बताना पड़ेगा। आज अगर बाबा समय पर ना आते ना तो वो मंजरी तुम्हें भी जान से मार डालती। शोभा भाभी और आपके बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। अब भी आप सच नहीं बताना चाहते? आज मेरी बेटी की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आपको मालूम है मेरा और उसकी मां का क्या हाल? एक बुरी आत्मा ने हमारी मासूम सी बच्ची को कब्जे में किया हुआ है। अरे अगर उस बंगले में ऐसा कुछ था तो हमें बंगला बेचा ही क्यों तुमने? मैं जानना चाहता हूं ये। अरे सच कहता है, हम किसी मंजरी को नहीं जानता है। हम झूठ क्यों बोलेगा बाबा? तुम मंजरी को नहीं जानते हो ठीक, लेकिन उस बंद दरवाजे का राज क्या है? उस बंद दरवाजे को पर्दे से क्यों ढका गया था? बोलो, जवाब दो। शांत क्यों हो गए हो तुम? बताओ, जवाब दो। सब कुछ सच सच बता दीजिए घोष बाबू, मेरी बेटी की खातिर। आखिर उस मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी जान है वो। प्लीज घोष बाबू, आपसे रिक्वेस्ट, जो भी सच है बोल डालिए। एक मासूम की जान बच जाएगी। हमारे पास समय का बहुत अभाव है। मंजरी की आत्मा उस बंगले में रहने वाले हर शख्स को मार डालेगी, उसमें तुम भी शामिल हो। ठीक है, हम सब बताता है। ये बात 5 साल पहले का है। हमारी बीवी शोभा बेटा अभिजीत की लड़की देखने के लिए गया। लड़की बहुत खूबसूरत नहीं था, इसलिए अभिजीत को भी पसंद नहीं आया। लड़की, हमारा मतलब है कि मंजरी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मंजरी का फादर बोला कि जो भी हमारा बेटी से शादी करेगा उसको हम अपना पूरा बंगलो, अपना प्रॉपर्टी सब उसका नाम लिख देगा। शोभा का मन में लालच आ गया, उसने अभिजीत को मंजरी से शादी करने के लिए राजी कर लिया। उसने अभिजीत को यह भी बताया कि उसके पास ढेर सारा पैसा रहेगा ना तो कोई भी सुंदर लड़के उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अभिजीत शोभा का बात मान गया, उसके बहकावे में आ गया और उसने मंजरी से शादी कर लिया। माँ बेटा ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मंजरी का फादर ने अपना सारा प्रॉपर्टी मंजरी के नाम लिख दिया। अब क्योंकि घर में पैसा आ गया था इसलिए पैसे की गर्मी की वजह से अभिजीत हवा में उड़ने लगा। वो बुरा संगत में पड़ गया, दोस्तों पे पैसा उड़ाता था, खूब इधर उधर घूमता था। बुरा संगत की वजह से वो शराब भी पीने लगा, ना नौकरी भी छोड़ दिया। अब उसको अपना खर्चा के लिए भी मंजरी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। शोभा से अपना बेटा का यह हालत देखा नहीं जाता था। वो परेशान हो गया। अभिजीत और मंजरी में अब रोज लड़ाई होने लगा। घर में इतना सब कुछ हो रहा था लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अभिजीत अब अपना मनमानी करने लगा और इस सब काम में शोभा भी उसका साथ देता था। अभिजीत मंजरी पे हाथ उठाने लगा। मंजरी सब चुपचाप सहता था। उनको पता चला तो उन लोग को बोला, तुम लोग ऐसा क्यों करता है? मंजरी हमारे घर का बहू है, ऐसा नहीं करो। और उन्होंने मेरी एक भैंस, मैं लाचार था और एक दिन अभिजीत ने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने मंजरी को जला दिया और इसमें शोभा ने भी उसका साथ दिया। और जब मैं घर पहुंचा तो हमको ये सब पता चला। हम कर भी क्या सकता था? मामला को जैसे तैसे निपटाने की कोशिश किया। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद मंजरी का आत्मा उस बंगला में हम लोग को परेशान करने लगा। हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। अजीब अजीब सा हरकत हो रहा था। सामान और बर्तन टूटना फूटने लगा वहां पर। हम लोग बहुत परेशान हो गया। इसलिए हम लोगों ने एक दिन एक तांत्रिक को बुलाया और तंत्र मंत्र करा करके वो दरवाजे पे ताला लगा दिया और दरवाजे को पर्दे से ढक दिया। हम लोग वो घर छोड़ने का फैसला किया और इसलिए हम लोग वो बंगला छोड़कर अपना पुराना बंगला में आ गया। यहाँ पर सब ठीक था। इतने साल तक बंगला बंद तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को। हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग बंगला को बेच देगा तो पैसा भी आ जाएगा और मंजरी से हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। कुलदीप, जब से तुम आया ना तब से सब कुछ बदल गया। तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया। अगर आज तुम लोग सही समय पे नहीं आता ना तो मंजरी हमारा गला दबा के हमको मार दिया होता। मेरी लाश ना पड़ी होती। अपने आप को संभाल। इंसान जो बोता है वही काटता है, यही प्रकृति का नियम है। पापा, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो मेरी बेटी का क्या कसूर? उसे क्यों इतना भुगतना पड़ रहा? कुलदीप, इसमें तुम्हारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मंजरी ने बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी के शरीर का इस्तेमाल किया। ठीक है बाबा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। मेरी बेटी की जान खतरे में, हमें निकलना होगा। घोष बाबू, आप भी चलो। चलो। क्या हुआ? कहाँ थे आप लोग? क्या हुआ कुलदीप? कुछ देर और मंदिरा, इसके बाद बिन्नी तुम्हारे पास होगी। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बिन्नी को कुछ हो ना जाए। उसे कुछ नहीं होगा कुलदीप। जी बाबा। जब तक हम मंजरी की अस्थियां को नहीं जलाएंगे तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें उस बंद कमरे के अंदर फिर से जाना होगा। कुलदीप, तुम्हें एक हवन कुंड बनवाना पड़ेगा। जी बाबा, हवन कुंड का प्रबंध हो जाएगा। जय मां काली। ध्यान रहे, तुम लोग सभी को इस घेरे के अंदर रहना। मंजरी किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती तुम लोग सभी को इस घेरे के अंदर ही रहना। बाबा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? नहीं, तुम यही रहो। मंजरी कभी भी घोष पर हमला कर सकती है। बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारी बच्ची का क्या होगा? बाबा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। बाबा, आप कुलदीप जी को अपने साथ ले जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। पे भरोसा रखिए, आप लोग घेरे से बाहर नहीं आएंगे। तो ठीक है बाबा, आप जल्दी जाइए, अंधेरा हो रहा है। मैंने सुना है कि बुरी आत्मा अंधेरे में बहुत शक्तिशाली हो जाती है। हाँ, यही वक्त है उनके बाहर निकलने का। कुलदीप चलो, जय मां काली। चलो कुलदीप। तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तू फिर वापस आ गया। दूसरों के उपकार करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंजरी, तुमने सब बदला ले लिया, तुमने अपने सारे गुनहगारों को मार डाला है। अब तुम क्या चाहती हो? बोलो। बदला। बदला? लेकिन किससे? और कौन बचा है? उस घोष से। घोष? घोष ने कोई गलती नहीं की, घोष निर्दोष है। तुम ये क्यों नहीं समझती हो मंजरी? दोषी सिर्फ वो नहीं जो गुनाह करते, बल्कि वो भी उतने ही दोषी होते हैं जो उसमें साथ देते हैं। उस घोष ने यही किया, अपनी बीवी और बेटे को इंसानियत नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो आज वो आवारा और हत्यारे नहीं होते, और मैं इस हाल में नहीं होती, मैं जिंदा होती। मंजरी, तुमने शोभा और अभिजीत को मारकर घोष को अकेला कर दिया, यही उनका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब तुम बताओ, बिन्नी कहाँ है? बाबा, बाबा, शांत। बाबा, बाबा वो मेरी बेटी बिन्नी है बाबा। ठहरो, तो गलती से भी मत जाओ, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें पहले मंजरी की अस्थियों को हवन में जलाना होगा। हींग क्रींग फट, हींग क्रींग फट, हींग क्रींग फट। अभी हमें इन अस्थियों को लेकर जाना होगा, हवन में जलाना होगा। हमारे पास समय नहीं है, एकदम समय नहीं है। चलो मंजरी कुछ समय है, कुछ भी कर सकती है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, लेकिन बिन्नी को जान का खतरा है। चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। बाबा चलो बाबा। कुछ भी हो जाए, कोई इस घेरे से नहीं जाएगा बाहर, समझे? फट, जय मां काली, ओम ह्रीं क्रीं फट। मंदिरा, कुलदीप उसे रोको, वो बिन्नी नहीं है। बच पाएगा, इन सबको मुझसे बचा पाएगा। घोष, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुलदीप, ये कंकाल हवन में डाल दो। जल्दी डालो। ऐसा मत करो, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुमको छोड़ूंगी नहीं। जा मंजरी, तुझे मुक्ति मिल गई है, जा अपनी दुनिया में। बिन्नी 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 बेटा, बिन्नी बेटा, बिन्नी उठो बेटा, उठो बेटा। बिन्नी आंखें खोल बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो, उठ जाओ। बाबा, आपने हमारी बेटी की जान बचाकर जो हमारे ऊपर उपकार किया है, वो उपकार हम सारी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे बाबा। ये तो हमारा फर्ज था। अब क्यों रो रहे? सब तो ठीक हो गया ना? बाबू, भला मुझसे बड़ा भागा इस दुनिया में और कौन हो सकता है? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। इस दुनिया में आज मैं अकेला रह गया हूं। सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने अपने बीवी और बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दी होती तो आज नौबत यहां तक नहीं आती। मैं बहुत लापरवाह हो गया था बाबा। ये सब उन्हीं कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। अगर हम अपनी संतान को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो अंजाम तो बुरा ही होगा ना। एक दिन ये अपने को चोट देते देते दूसरों को भी चोट पहुंचाएंगे। बाबा, अगर आज आप समय पर नहीं आते तो हम भी अपनी बच्ची को खो देते। जिसकी रक्षा स्वयं मां काली करती हो, उसको भला कौन मार सकता है? जय मां काली, जय मां काली।